हेलो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 4.3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्लास 9th का एक क्वेश्चन है। यामिनी एंड फतिमा टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। एक स्कूल के अंदर दो स्टूडेंट हैं 9th क्लास की, जिसका नेम है यामिनी एंड फतिमा। टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100, दोनों मिलकर ₹1,000 कंट्रीब्यूट करते हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, हेल्प द अर्थक्वेक विक्टम्स। तो यहाँ से आपको क्या करना है, राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। इस डाटा को सेटिस्फाई करे एक ऐसी लीनियर इक्वेशन आपको ड्रॉ करनी है। तो क्या करेंगे, दोनों ने जो कंट्रीब्यूट किया है दोनों के रुपए को हम लेट कर लेंगे। एक जो यामिनी है इसके जो कंट्रीब्यूटेड मनी है इसको एक्स लेट कर लेंगे, और फतिमा के द्वारा जो कंट्रीब्यूट मनी किया गया है इसको वाई लेट कर लेंगे। तो सोल्व करते हैं इसको। लेट द मनी कंट्रीब्यूटेड बाई यामिनी, यामिनी के द्वारा कंट्रीब्यूटेड किया गया रुपीज एक्स, एंड और मनी कंट्रीब्यूटेड बाय बाय फतिमा इज इक्वल टू रुपीज वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टुगेदर दोनों ने मिलकर कितने रुपए दिए, 100 रुपीज़। यानी कि यामिनी ने एक्स रुपए दिए, ठीक है, और फतिमा ने वाई रुपए दिए। ये दोनों का जो सम आ रहा है ये कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये तो हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, टेबल नोट करेंगे। देखिए तो इक्वेशन है हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। एक्स या वाई में वैल्यू पुट कर लो, किसी में भी पुट कर लेते हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू 40, ठीक है। एक्स की वैल्यू 40 ले ली हमने, क्यों लिए, क्योंकि 1, 2 लेंगे तो हमारे पास 99, 98 ऐसे नंबर आएंगे, तो वो ग्राफ के ऊपर काफ़ी दूरी पे चले जाएंगे, या फिर आप उनको लाइन पॉइंटों के अंदर चेक करेंगे, जो आपके पास ग्राफ के अंदर इनके बीच में जो लाइनें लगी होती हैं वहाँ पे। तो इसलिए सीधा डायरेक्ट हम क्या ले रहे हैं, 10, 20, 30 ऐसी कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो एक्स की जगह हमने क्या लिया, 40। तो 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो वाई इज इक्वल टू 40 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और वाई इज इक्वल टू 60। पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 50 रख लेते हैं। तो हमारे पास क्या जाएगा, एक्स की जगह 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, 100 माइनस का 50, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। एक्स 40 है तो वाई कितना आ रहा है, 60। एक्स 50 है तो वाई कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास टेबल आ गई, एक्स और वाई। एक्स 40 लेते हैं तो वाई कितना आ रहा है, 60। एक्स 50 लेते हैं तो कितना आ रहा है, 50। और भी लेना चाहो तो ले सकते हो। एक्स की वैल्यू 30 लेंगे तो वाई कितना आ जाएगा, 30 माइनस हो जाएगा, 70 आ जाएगा। तो इस टाइप से अब इन कोऑर्डिनेट पॉइंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये ग्राफ ले लिया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, अब 1, 2 का डिस्टेंस तो लेंगे नहीं, कितने का लेंगे, 10, 10 का डिस्टेंस ले लेंगे। तो ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। तो नेगेटिव नंबर है नहीं, इसलिए नेगेटिव नहीं लिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, एक्स 40 लिया था, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 40 लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 लेने के बाद ये टेबल है। तो एक्स की वैल्यू हमने 40 ली, वाई कितना आता है, 60। तो एक्स के ऊपर 40 लेंगे तो ये 40 हो गया, वाई कितना आ रहा है, 60।
ये पॉइंट आ गया हमारे पास x40, पहले x का कोऑर्डिनेट पॉइंट, बाद में y का कोऑर्डिनेट पॉइंट, नेक्स्ट x50 y50, तो x50 ये हो गया और y50 ये हो गया, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास 50 और 50, दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ये हमारे पास क्या जाएगी, लाइन आ जाएगी। तो ये क्या आ गया, इसका ग्राफ हो गया। तो इस टाइप से आपको क्या करना था, ग्राफ ड्रॉ करना था। ठीक है, थैंक यू।